दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अल्टरनेटिंग वेव के लिए आरएमएस वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं और साइनोसोइडल वेव के लिए आरएमएस वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं। दोनों में फर्क है, साइनोसोइडल में हम उसकी पैटर्न डिफाइन कर देते हैं कि अल्टरनेटिंग वेव साइन वेव है। आपको कहा जाए अल्टरनेटिंग वेव तो वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन साइन वेव बिल्कुल यूनिक है और उसका इक्वेशन हमको पता है। तो दोनों के लिए हम आरएमएस वैल्यू देखेंगे। आरएमएस वैल्यू के लास्ट लेक्चर में जब हमने डेफिनेशन दिया था तो हमने ऐसा बताया था कि अल्टरनेटिंग वेव है, मान लीजिए उसके एन सेक्शन किए जाए तो हर एक पॉइंट पे आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी। इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि जिस प्रकार डीसी में हम लोग कहते हैं कि 5 एम्पियर चल रहा है तो 5 एम्पियर डीसी कंटिन्यूस एक स्टेडी वैल्यू होगा, लेकिन 5 एम्पियर एसी अगर है तो उसका हर सेकंड पे, हर मिली सेकंड पे अलग अलग यहाँ पे वैल्यू दिखेगा। देखिए I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है। यहाँ पे सैंपल के लिए मैंने यहाँ पे 14 सेक्शन किया है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। तो इसका मतलब ये है के साइन वेव को समझने के लिए या उसका मैग्नीट्यूड बताने के लिए हमको एक मेथड चाहिए कि हम यूनिफॉर्मिटी ला पाए, एक समानता, एक रूपता ला पाए। तो एक रूपता लाने के लिए आरएमएस वैल्यू डिफाइन किया गया है। हमारे यहाँ अगर कहते हैं आपका 230 वोल्ट एसी सप्लाई है तो वो आरएमएस वैल्यू है दोस्तों। तो इसका डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। द अमाउंट ऑफ एसी करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट that have been produced by passing DC current from the same conductor for the same time period. इसका मतलब आपके पास एक कंडक्टर है, उसमें से कुछ समय के लिए आप DC करंट पास करें, DC पास करें, डायरेक्ट करंट, तो जितना हीट प्रोड्यूस होगा उतना ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए उतने ही वक्त के लिए जिस वैल्यू का AC अल्टरनेटिंग करंट आपने पसार करना है उसको हम कहेंगे पास करना है, अलाउ करना है कंडक्टर में से, तो उसको हम कहेंगे आरएमएस वैल्यू, वो वैल्यू को हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। तो रेफरेंस है हमारा कुछ समय के लिए कंडक्टर में से डीसी पास होने से जितनी हीट, जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है वो हमारा रेफरेंस है। तो देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है और हमको पता है हीट प्रोड्यूस डीसी से होगी I2RT, क्योंकि आई की वैल्यू हर वक्त कॉन्स्टेंट रहनी है। लेकिन ये अल्टरनेटिंग वेव है दोस्तों, तो यहाँ पे ये वैल्यू हुई आपकी मीन वैल्यू हो गई I2 + I2 + IN / IN / IN/IN, ये मीन वैल्यू हो गई दोस्तों। तो ये मीन वैल्यू कंसीडर करेंगे तभी हमको करंट का यहाँ पे एक मिल पाएगा, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस बाय डीसी इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस बाय एसी, ऐसा हम डेफिनेशन में कहते हैं। जितनी हीट आपकी डीसी से प्रोड्यूस हुई उतनी हीट आपको एसी से प्रोड्यूस करनी है। तो ये हो गया डीसी के लिए I2RT और एसी के लिए ये पूरा टर्म I1² + I2² up to IN² / N into RT। अभी आप देखिए कंडक्टर हमारा एक ही है तो रेजिस्टेंस R दोनों का सेम रहेगा और हम डेफिनेशन में ऐसा कहते हैं सेम टाइम पीरियड के लिए, तो टाइम भी दोनों के लिए सेम रहेगा, तो RT कैंसिल हो जाएगा, तो I2 = ये मिलेगा और I = ये पूरे टर्म का रूट हो जाएगा। तो ये वैल्यू अल्टरनेटिंग टर्म के लिए रूट मीन स्क्वायर हुआ। ये मीन तो है ही, ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग पैरामीटर के लिए, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर हमको मिलेगा √I1² + I2² + I3² up to IN² / N। N है तो N, 5 है तो 5, जितना होगा इतना डिवाइड करेंगे। तो ये हुआ दोस्तों हमारा अल्टरनेटिंग वेव के लिए। अब साइन वेव के लिए सोचते हैं, क्योंकि साइन के लिए हमारे पास स्पेसिफिक फॉर्मूला है, क्योंकि साइन का हमारा मान लीजिए करंट है तो I = Im sin ωt है, तो Im sin ωt है दोस्तों, तो इसका मीन स्क्वायर होगा, इसका बेस कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2π का बेस है और 0 से 2π इंटीग्रेशन I²dt, ये हो गया मीन स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। और रूट मीन स्क्वायर है तो इसका रूट हो जाएगा, ठीक है, इसका रूट लेंगे तो रूट में पूरा इंटीग्रेशन वाला और 2π वाला टर्म आ जाएगा।
आप देखिए यहाँ पे दोस्तों, मीन स्क्वायर माने आपका इंटीग्रेशन लिया, हर एक समय की वैल्यू का स्क्वायर करके उसको प्लस कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा, और डिवीजन में हमने लिया 2 पाई। हम साइन ओमेगा टी को साइन थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा हमने लिखा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमारा आई एम है, आई एम माने एम्पलीट्यूड, वो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा दोस्तों। तो आई एम स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी ये यहाँ पे पूरा टर्म है, ये स्क्वायर रूट में है। आगे देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके हम साइन वेव के लिए आरएमएस वैल्यू ढूंढते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा टर्म था, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 है। दोस्तों ये जो इक्वेशन है ये ट्रिगोनोमेट्रिक में आपको याद करने हैं और याद होने ही चाहिए, तो आप अपनी तरह से इसको याद कर लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 माइनस कॉस, देखिए मैं 2 को यहाँ पे ले लिया, जो जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो मैं बाहर लेता जाऊंगा, तो बाहर ले लिया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 पाई हो गया यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, उसको सेपरेट आउट करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो थीटा डी इंटीग्रेशन डी थीटा का सिर्फ थीटा होगा, तो 2 पाई माइनस 0 होगा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। तो देखिए साइन टू डिवीजन में, क्योंकि इंटीग्रेशन है दोस्तों, इंटीग्रेशन में डिवीजन में आता है, और लिमिट हम लोग 0 से 2 पाई यहाँ पे रखेंगे। देखिए इंटीग्रेशन डी थीटा का थीटा हुआ, लिमिट 0 से 2 पाई आपको रखनी है, और कॉस टू थीटा का साइन टू थीटा डिवीजन में 2, अगर डेरिवेशन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन है तो डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हो गया थीटा के बजाय 2 पाई माइनस 0, और साइन 2 थीटा के लिए हमने देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, 1 बाई 2 कॉमन ले लिया, साइन 2 इंटू 2 पाई माइनस साइन 0, हमने थीटा की बजाय यहाँ पे एक बार 2 पाई रखा, एक बाय 0 रखा। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा वैल्यू आया साइन 2 इंटू थीटा के बजाय 2 पाई और साइन 0, तो साइन 0 तो हमको 0 पता है, साइन पाई भी हमको पता है, साइन 4 पाई भी हमको पता है, तो ये 4 पाई हो जाएगा, 2 पाई माइनस 0 2 पाई हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, ये टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो, साइन फोर पाई भी जीरो, तो ये निकल गया। तो हमारे पास आएगा इन स्क्वायर रूट में आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई, तो हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा पाई, तो हमारा आंसर आएगा आई एम स्क्वायर डिवीजन में 2, आई एम स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर रूट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आई एम अपॉन रूट 2। ये अल्टरनेटिंग वेव के लिए, स्पेसिफिकली कहूँ तो साइन वेव के लिए आर एम एस वैल्यू है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन रूट 2। आपको ये डेरिवेशन दोस्तों याद करना है, बार बार जीपीयू एग्जाम में ये पूछते हैं, और मैथमेटिकल स्टेप्स है, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।